सवाल है कि क्या जिक्र अजकार के वक्त सर पर दुपट्टा होना ज़रूरी है किसी खातून का सवाल है कि जिक्र करते हुए अजकार करते हुए तस्वीर पढ़ते हुए क्या सर पे दुपट्टा होना जरूरी है तो देखिये इसका जवाब यह है कि इस बात की पाबंदी करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कुरान और हदीस में कहीं ऐसी कोई शर्त नहीं बताई गई है कि औरत अगर जिक्र कर रही हो तो उसके सर पर दुपट्टा होना चाहिए ऐसी कोई शर्त अल्लाह ने नहीं लगाई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लगाई है और हर मर्द या औरत ज़िम्मेदारियों से शरायत से बरी है इसलिए जो शख्स भी किसी मर्द को या औरत को पाबंद करे किसी शर्त का किसी तरीके का उसको दलील देना होगा वो दलील नहीं दे सकेगा तो असला औरत या मर्द सबके सब, सब पाबंदियों से शरात से आज़ाद हैं तो खाती हो बच्ची हो कोई भी हो अगर वो सर पे दुपट्टा ना हो और ज़िक्र उसकार कर रहे हैं तो कोई हरज की बात नहीं लेकिन याद रहे कि यह मसला तब होगा जब औरत अपने घर में हो बगैर दुपट्टे के जिक्र करना जायज़ है इसका ये माना नहीं है कि एक औरत बाहर भी निकले बगैर दुपट्टे के घूमे फिरे वो मतलब नहीं कहने का लेकिन एक औरत बंद कमरे में उसको कोई नहीं देख रहा है सिर्फ अल्लाह के सामने उसको जिक्र करना है अल्लाह के लिए उसको कोई इबादत करनी है तो इस इबादत में उसके सर पे दुपट्टा ना हो तो चले गए नमाज का मसला नहीं जिक्र असकार का मसला हती कि सबसे बड़ा जो जिक्र हो सकता है वो कुरान की तलावत कुरान मजीद की तलावत ये सबसे बड़ा जिक्र है और कुरान मजीद की तलावत के वक्त भी किसी औरत पर यह शर्त नहीं लगाई जा सकती कि वो बगैर दुपट्टा ओढ़े कुरान मजीद नहीं पढ़ सकती अच्छा इस तरीके जब हम बात कहते हैं ना तो अक्सर लोग सवाल करते हैं दलील लाइए है कहाँ लिखा हुआ है कि बगैर दुपट्टे की कुरान पढ़ सकती कहाँ लिखा हुआ कि बगैर दुपट्टे के जिक्र कर सकती भाई मसला समझने की कोशिश करें ये खालिश जो है इबादात का मसला नहीं लिबास का मसला है पहनावे का मसला है शरात का मसला है पाबंदियों का मसला है और पाबंदियों के मामला में शरात के मामला में लिबास के मामलों में बाई डिफाल्ट हर मर्द औरत आज़ाद है जो चाहे पहने ये आप समझने की कोशिश करें कि इस्लाम ने एक मर्द औरत को बाय डिफॉल्ट हर तरह का लिबास पहनने की आजाद दी है बाय डिफॉल्ट उसे आजाद रखा है जो चाहे करे और इबादत का जब मसला होगा कि इबादत कैसे करनी है नमाज कैसे पढ़ना है तो वो जो खास इबादत है असल जो फी नफ्स ही इबादत है स्वब के लिए जो अपने आप में एक इबादत है तो वो जो मामलाते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट सारी चीजें हराम है सिर्फ वही करना है जिसका सबूत मिले तो जब कोई इबादत की जबान में बात करे इबादत आपको सिखाए तो वहां आप ये सवाल करेंगे कहाँ लिखा हुआ कि ऐसी इबादत करना यहां आपका सवाल यह बनता है लेकिन जब मामला की बात हो तो वहां पे यह सवाल नहीं कर सकते कि ऐसा जायज है यह कहां लिखा हुआ बल्कि यहां पे सवाल यह होगा कि ये मना है ये बात कहां है मामलात में लिबास वगैरह शरात पाबंदियों के मामले में असल ये चीज देखी जाएगी कि ये मना कहाँ है तो ये असूल अपने जहन में रखें खुलासा ये कि जिक्र असकार करते वक्त या कुरान मजीद की तलावत करते वक्त एक औरत के लिए ख़ातून के लिए बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है कि वो दुपट्टा ओढ़ कर ही करे अलबत्त अगर किसी औरत को अच्छा लगता है और वो एक अच्छी हैत में बैठ कर कुरान मजीद तलावत करना चाहती है और ज़िक्र असकार करना चाहती है दुपट्टा ओढ़ के तो ये भी कोई गलत नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुपट्टा उतार के ही कुरान पढ़ना है दुपट्टा उतार कर ही जिक्र असकार करना ये बात भी हम नहीं कह रहे बल्कि बेहतर है बहुत अच्छी बात है अगर वो दुपट्टा ओढ़ के दुपट्टा सर पे रख के कुरान की तलावत करती है जिक्र स्कार करती है बहुत अच्छी बात है लेकिन इस चीज़ को वो शरीयत का हिस्सा नहीं समझ सकती इस चीज़ को वो सुन्नत नहीं समझ सकती इस चीज़ को वाजिब नहीं समझ सकती और कभी हटा के भी इबादत कर ले तो इसको वो हराम नहीं समझ सकती तो उम्मीद है कि मसला आपके सामने हो चुका होगा ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें